निगम चुनाव की नामांकन को लेकर प्रत्याशियों में रुझान बढ़ने लगा है। जहां एक और पिछले दिनों फॉर्म जमा करने वालों की संख्या बहुत ही कम नजर आ रही थी, वहीं आज महापौर प्रत्याशियों के साथ साथ पार्षद प्रत्याशियों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसमें खास तौर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय में निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए 97 आवेदन प्राप्त हुए व महापौर पद के लिए 3 नामांकन दाखिल किए गए हैं। 11 तारीख से निगम में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, उसके बाद से ही इक्का दुक्का फॉर्म जमा हुए थे। वहीं आज नामांकन फॉर्म जमा करवाने वालों का आंकड़ा पिछले दिनों से अधिक रहा। वहीं अब तक नगर निगम में पार्षद पद के लिए 163 नामांकन जमा हो चुके हैं। इसके साथ ही महापौर पद के लिए कुल नामांकन की संख्या 7 हो चुकी है। इंदौर की 8 नगर परिषद के लिए आज कुल जमा फॉर्म की संख्या 102 हो चुकी है। वहीं आज फॉर्म जमा कराने वालों में सफेद कलर का झाड़ू, चुनाव चिन्ह वाली टोपी पहने प्रत्याशी ज्यादा नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।